तो कैसे हैं आप सब लोग, और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर व्हाट हैपेंस इफ। तो आ गए हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइटिंग जेट्स के बारे में, फाइटिंग जेट्स लाइक राफेल एंड J-20। राफेल के बारे में तो आप सब लोगों ने सुना ही होगा कि अम्बाला में 27 जुलाई को 7 फाइटिंग जेट्स लैंड हुए थे जिनका नाम था राफेल। तो आज हम उनका कंपैरिजन करने वाले हैं चाइना के एक फाइटिंग जेट जिसका नाम है चेंगडू J-20। तो चलिए इनका कंपैरिजन देखते हैं, और उस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं, इनकी परफॉर्मेंस, इनके अंदर क्या क्या वेपन्स हैं और इनकी स्पीड क्या है, मतलब ये सब कुछ आज की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। तो चलिए देख लेते हैं एक ओवरव्यू कि हम वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं दोनों के कंपैरिजन की, उसके बाद इनकी परफॉर्मेंस की, उसके बाद वेपन्स की, और देन इनके जो मिसाइल्स इनके अंदर लोडेड हैं उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं कंपैरिजन से। तो लेफ्ट कॉलम में राफेल एंड राइट कॉलम में J-20। तो इनकी अगर कंट्रीज की बात करें तो राफेल फ्रांस एंड J-20 आर फ्रॉम चाइना। अगर इनकी मैन्युफैक्चर की बात करते हैं तो राफेल को डिसॉल्ट एविएशन ने बनाया है और J-20 को चेंगदू कॉरपोरेशन ने। अगर इनकी जनरेशन की बात करूँ तो जो राफेल है उसकी जनरेशन है 4.50 PM नायरोल, और जो J-20 है उसकी जो जनरेशन है वह है 5th स्टेल्थ। और अगर हम बात करते हैं इनकी लेंथ, विड्थ और हाइट के बारे में, तो जो राफेल है उसकी लेंथ है 15.2 और उसकी विड्थ है 10.9 और उसकी हाइट है 5.3 सेंटीमीटर। और अगर हम बात करते हैं J-20 की, तो इसकी जो लेंथ है वह है 20.4 और जो विड्थ है वह है 13.5 सेंटीमीटर्स और उसकी हाइट है 4.4 सेंटीमीटर्स। और अगर हम बात करें इनकी अब ग्रॉस वेट की, तो राफेल का वेट है 15,000 किलोग्राम्स और जो J-20 है उसका वेट है 32,092 किलोग्राम्स। और अगर हम बात करते हैं कितना वेट लेकर ये टेक ऑफ कर सकते हैं, तो राफेल टेक ऑफ कर सकता है अबाउट 24,500 किलोग्राम्स की वेट के साथ, और जो हमारा J-20 है वह टेक ऑफ कर सकता है 37,013 किलोग्राम की वेट के साथ। और अगर इनकी अब हम फ्यूल कैपेसिटी के बाद में बात करते हैं, तो जो राफेल है उसकी कैपेसिटी है ऑलमोस्ट 4,700 to 4,400, 4,700 for double seated and 4,400 for single seated plane। एंड अगर हम बात करते हैं J-20 की, तो वह एक सिंगल सीटर प्लेन है, तो उसकी जो कैपेसिटी है वह है 11,340 किलोग्राम्स, बहुत ज़्यादा है वह राफेल से। तो दोस्तों ये तो बात हो गई जो मेन मेन कंपैरिजन था, तो अब हम बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। तो परफॉर्मेंस में हम पहले चेक करेंगे इसकी इंजन पावर क्या है और कैसा इंजन है। तो जो राफेल का इंजन है वह एक ट्विन इंजन है, और जो J-20 का है वह भी बिल्कुल सेम ट्विन इंजन है। बट जो राफेल का इंजन है तो उसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो है 100 kN। इसका मतलब इसका एक जो इंजन है वह 15 kN की थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकता है। और अगर हम बात करें अब J-20 की, तो उसका जो टोटल है वह है 290 kN, और इसका मतलब जो सिंगल इंजन है 140 से 145 kN तक की थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकता है। बट जो इसका नया वर्जन आ रहा है J-20 का, इसमें इन्होंने क्लेम किया है कि 360 kN की जो टोटल है वह बढ़ा दी जाएगी, और जो सिंगल इंजन की कैपेसिटी होगी वो होगी 180 kN सिंगल इंजन की। तो यह तो तब की बात थी जब जो हमारा जेट होता है वह स्टार्ट होता है और वह इग्नाइट करने के लिए तैयार होता है, लेकिन जब वो प्रॉपर हाइट अटेन कर लेता है तो वहाँ पर जो ये वैल्यू है ये और भी बढ़ जाती है। अगर मैं बात करूँ राफेल के केस में, तो जो ये वैल्यू है वह होती है 75 kN थ्रस्ट पर सिंगल इंजन, और जो इसमें होगी J-20 में वह होती है ऑलमोस्ट 80 kN पर थ्रस्ट। तो आगे हम बात कर लेते हैं मैक्सिमम स्पीड के बारे में। तो पहले हम देख लेते हैं राफेल की स्पीड। तो राफेल की जो मैक्सिमम स्पीड होती है हाई एटीट्यूड पे वो होती है 2,223 किलोमीटर पर आवर, और जो लोएस्ट एटीट्यूड पे राफेल की स्पीड होती है वह होती है ऑलमोस्ट 1,390 किलोमीटर पर आवर। तो अब हम बात कर लेते हैं J-20 के बारे में। तो J-20 जो हाईएस्ट एटीट्यूड पर स्पीड रहती है वह रहती है 2,100 किलोमीटर पर आवर, और अगर हम बात करते हैं इसके लोएस्ट एटीट्यूड के बारे में तो इसकी जो स्पीड होगी वो ऑलमोस्ट रहती है 1,240 to 1,260। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट जो है उसके हम बात करने वाले हैं कॉम्बैट ट्रेन विद वेपन्स। तो जो रेंज है राफेल की वो रहती है ऑलमोस्ट 1,850 किलोमीटर्स की, और जो J-20 की रेंज है वो रहती है ऑलमोस्ट 2,000 किलोमीटर्स की।
तो आगे हम बात कर लेते हैं इनकी फेयरी रेंज या फिर इनकी फ्यूल कैपेसिटी की डिस्टेंस के बारे में। तो जो राफेल है वो ऑलमोस्ट 3,700 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर सकता है विद एक्सटर्नल फ्यूल टैंक। और अगर हम बात करते हैं J20 की, तो वह 6,000 किलोमीटर को कवर कर सकता है विद हैवी फ्यूल टैंक। तो यह थी बात फ्यूल के बारे में। तो आगे हम बात करने वाले हैं उसकी हाइट के बारे में कि वह कितनी हाइट तक जा सकता है अगर वह फुल लोडेड है। तो जो राफेल की हाइट है वह होती है ऑलमोस्ट 15,835 मीटर्स। तो अगर हम बात करते हैं J20 की, तो J20 की मैक्सिमम हाइट होती है विद फुल लोडेड दैट इज 20,000 मीटर। तो इसके हिसाब से जो हमारा J20 है वह ज़्यादा हाइट अटेन कर सकता है विद फुल लोडेड। तो चलिए बात कर लेते हैं रेट ऑफ क्लाइंबिंग के बारे में कि कौन सा जो हमारा जेट है वह जल्दी क्लाइंब कर जाता है। तो जो राफेल की स्पीड है क्लाइंबिंग की वो है ऑलमोस्ट 304.8 मीटर्स पर सेकेंड, और जो J20 की है वह रहती है 304 मीटर्स पर सेकेंड। मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ओनली 0.8 का डिफरेंस है। तो इस पॉइंट में हमारा राफेल मतलब अच्छा है। तो अब हम बात कर लेते हैं इनके वेपन्स के बारे में, इनके अंदर कौन कौन से वेपन्स हैं। तो पहले हम बात करेंगे वेपन्स जो हैं राफेल के अंदर, देन J20 के अंदर। तो राफेल के अंदर एक 1x30 mm की जो GIAT M79 ऑटो गन लोडेड रहती है, जिसके अंदर फायर रेट होता है 120 राउंड पर मिनट। और वहीं पर J20 के अंदर वहाँ पर कोई भी ऑटो गन नहीं रहती, बिकॉज वो उसको ऐसी तरह से बनाया ही नहीं गया कि वह क्लोज फाइट्स को ले सके। जो J20 है वह सिर्फ लॉन्ग फाइट्स के लिए बनाया गया है। तो अगर हेड टू हेड डॉग फाइट होती है तो उसमें अफकोर्स जो राफेल है वह जीत सकता है। तो चलिए बात कर लेते हैं वेपन कैपेसिटी के बारे में। तो जो मैक्सिमम वेपन कैपेसिटी है वह राफेल की है, दैट इज 13-14 वेपन्स। और जो J20 की कैपेसिटी है वह है 6-8 वेपन्स। तो ये तो हो गया वेपन्स के बारे में। अब हम बात करते हैं मिसाइल्स के बारे में। तो मिसाइल्स के बारे में पहले हम राफेल के जो कॉलम है वो चेक कर लेते हैं। तो राफेल के पास एयर टू एयर में 2 शॉर्ट रेंज और 1 लॉन्ग रेंज मिसाइल है। तो शॉर्ट रेंज में आती है मैजिक 2, MBDA MICA, और जो लॉन्ग रेंज में आती है उसका नाम है MBDA मेट्योर। और अब हम बात कर लेते हैं इसकी एयर टू ग्राउंड की मिसाइल्स के बारे में। तो इसमें भी MBDA की मिसाइल्स यूज़ की गई हैं। फर्स्ट मिसाइल है एंटी शिप मिसाइल, सेकेंड है जो न्यूक्लियर मिसाइल है न्यूक्लियर वेपन, और जो थर्ड है उसका नाम है ASMP आर न्यूक्लियर मिसाइल। तो ये तो हो गई हमारे राफेल की बात। और अब हम बात कर लेते हैं J20 के बारे में। तो J20 में सभी की सभी जो मिसाइल्स हैं वह PL सीरीज की यूज़ की गई हैं। तो जो PL-10 है वह शॉर्ट रेंज के लिए है, और PL-12 मिड रेंज के लिए, PL-15 बर लॉन्ग रेंज के लिए, और जो PL-21 है वो हाई लॉन्ग रेंज के लिए, और जो LS-6 है वह है प्रसीजन गाइडेड बॉम्ब। मतलब कहीं भी मतलब जहाँ पे टारगेट सेलेक्ट करके करना हो तो वहाँ पे ये मिसाइल यूज़ की जाती है। अगर हम बात करते हैं इसके बॉम्ब्स के बारे में, तो इसके अंदर लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स हैं, और ग्लाइड बॉम्ब्स, सैटेलाइट गाइडेड बॉम्ब्स, अनगाइडेड बॉम्ब्स, मतलब सब काफ़ी टाइप के इसके अंदर बॉम्ब्स जो हैं फिट किए गए हैं। और जो J20 है उसमें एक एडिशनल लॉन्ग रेंज मिसाइल भी दी गई है, लेकिन एक्सपर्ट्स के हिसाब से जो J20 है वह इतना स्टेबल नहीं है कि वह इस मिसाइल को यूज़ कर सके। तो आज के कंपैरिजन बस यहीं तक था। तो आप बताइए कि आपको कौन सा फाइटिंग जेट अच्छा लगा, तो ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। और हम बात कर लेते हैं कल के शाउट आउट के बारे में। तो जो मैंने क्वेश्चन पिछली वीडियो में पूछा था तो उसका सही आंसर दिया था आकाश कौशिक एंड एक्सप्लोर द नेचर ने। सो अ बिग शाउट आउट टू बोथ ऑफ देम। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और रुकिए आज की वीडियो क्वेश्चन क्या है ये तो देख लीजिए। तो आज की वीडियो का क्वेश्चन है, मैंने इस वीडियो में राफेल वर्ड का यूज कितनी बार किया। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना। तो आपको मिलेगा एक मौका शाउट आउट का नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलना, और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को व्हाट हैपेंस इफ, and press the bell icon for the latest notification. So sayonara and signing off.